आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की चटनियाँ जिसके अंदर बारबेक्यू चटनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप दही का, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून हमने लिया है पुदीना, 1 छोटी प्याज, 1 हरी मिर्च और 2 कलियाँ लहसुन की हैं। इसको हमने डालना है ब्लेंडर के अंदर और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद हम लेंगे बॉल, उसमें हम डालेंगे दही, दही को हमने फेंट लेना है और उसमें हम डाल देंगे हरी चटनी और फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और इस तरह से जो हमारी हरी चटनी है वो तैयार हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं बारबेक्यू चटनी की तरफ, जिसके लिए हमने 3 टेबलस्पून इमली को भिगो के रखा, उसकी गुठलियाँ निकाल दी। पल्प में डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना और ये देखिए इस तरह से 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर के इसमें चीनी डालेंगे, ब्लेंड करेंगे, बॉल में डालेंगे और इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे जीरा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपकी मज़ेदार बारबेक्यू चटनी जो है वो बनके तैयार।